रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम डबल ई साउंड्स करेंगे। इसमें ये फैमिली है पूरी, इसमें डबल ई, ई ए, ई आई, ई वाई और ई वाई आता है। तो सबसे पहले हम वो वर्ड्स करते हैं जिनमें डबल ई यूज होता है। आपके सामने ये पिक्चर्स हैं, इनके सामने स्पेलिंग लिखे हुए हैं, आपने इसके बीच में डबल ई डालना है। सो फर्स्ट वर्ड इज स्वीट, शीप और स्लीप। स्वीट टॉफी को कहते हैं, शीप भेड़ को और स्लीप नींद को। अब आपने दीज वर्ड्स ओनली हैव डबल ई, व्हाट साउंड्स आर मिसिंग। तो आपने इससे पहले और आखिर में साउंड्स लगानी है। फॉर एग्जांपल बी, ट्री और फीट। तो बी शहद की मक्खी को कहते हैं, ट्री दरख्त को कहते हैं और फीट पाँव को कहते हैं। देर आर सम अदर वर्ड्स विद डबल ई, टीथ, चीक, फीट, ग्रीन, फ्री, क्वीन, सीड एंड शीप। अब हम वो वर्ड्स करते हैं जिनमें ई ए आता है, लेकिन साउंड्स जो है वो डबल ई ही की देते हैं। आप यहाँ पिक्चर्स लगी हैं, इनके अंदर बाकी फिल इन द ब्लैंक्स में ई ए लिखेंगे तो ये बन जाएगा टी, डील एंड मील। टी चाय को कहते हैं, डील मुआहदे को और मील खाने को कहते हैं। अब आपने इसमें मिसिंग ई ए लिखा हुआ है, इसमें आपने मिसिंग साउंड्स लिखनी है तो ये बन जाएगा सी, पी और ईट। सी समुंदर को कहते हैं, पी मटर के दाने को और ईट खाने को। तो ये कुछ और ई ए साउंड्स हैं, क्लीन, बीन, प्लीज, ड्रीम, चीट, क्रीम, ब्रीद, टीचर, रिश्ट। तो अब हम आई ई वर्ड्स करेंगे जो कि डबल ई ही की साउंड्स देते हैं। जैसे ये है, आप आई ई लिखेंगे इसमें पाई, टाई एंड फ्राइज। शाबाश, पाई, टाई एंड फ्राइज, पाई, टाई एंड फ्राइज। अब आप देखें कि दीज वर्ड्स ओनली हैव आई ई, व्हाट साउंड्स आर मिसिंग। तो पहले में आएगा डाई, देन लाई एंड क्राइज। डाई मरना, लाई झूठ और क्राइज रोना। तो ये कुछ और वर्ड्स हैं आई, स्काईज, ट्राइज, ड्राइज, फ्राइड, फ्लाइज, स्पाइज। तो अब हम वो वर्ड्स करते हैं व्हेन वाई साउंड्स लाइक ई। फॉर एग्जांपल दिस इज फ्लाई, आपने मिसिंग साउंड्स लिखे हैं की एंड हैप्पी। तो फ्लाई में आएगा एफ एल फ्लाई, फल, की में क और हैप्पी में ह प, हैप्पी। फ्लाई, की, बेरी, टॉय, मंकी, बेबी, बनी, बॉय, ट्रे एंड स्पाई आर अदर वर्ड्स। अब हमने वो वर्ड्स करने हैं जिनमें ई वाई साउंड्स लाइक डबल ई। तो इसमें है टर्की, हॉकी, डंकी, की एंड मंकी। तो अब आपने मैच करने हैं वर्ड्स विद द पिक्चर। तो अब ये देखें, डंकी, शीप, पपी, मीट, बी, मंकी एक तरफ लिखा हुआ है, इनकी पिक्चर्स दूसरी तरफ हैं। यहाँ पे स्टॉप करें और स्पेलिंग्स को पिक्चर्स के साथ मैच करें, उसके बाद चेक करें। डंकी को गधा कहते हैं, शीप इज भेड़, पपी कुत्ते का बच्चा, मीट गोश्त, बी हनी बी। तो ये अब आपने डबल ई वर्ड्स जो हैं उनको एनसर्कल करना है। Have you seen my bag? क्या तुमने मेरा बैग देखा है? अब आप देखें कि इसमें वीडियो को स्टॉप करें, कौन सा वर्ड है जिसमें डबल ई यूज हुआ है। Have you seen my bag? तो इसमें seen में जो है वो डबल ई इस्तेमाल हुआ है, इसको हम रेड सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज लेट मी स्पीक टू योर फादर। अब इसमें स्पीक में डबल ई की साउंड तो है लेकिन ई ए यूज हुआ है। द कार हॉर्न वेंट बीप। तो कार का हॉर्न जो है बीप बीप करता है, यहाँ पे फुल स्टॉप, वीडियो को स्टॉप करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि बीप में डबल ई यूज हुआ है, द कार हॉर्न वेंट बीप। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है शी वॉज हैप्पी टू सी हर फ्रेंड। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे सी में डबल ई यूज हुआ है, वीडियो को स्टॉप करें, इसको एनसर्कल करें और फिर आगे चलते हैं। सो सी इज हैविंग डबल ई। एक हमने सी समुंदर पढ़ा था जिसके स्पेलिंग में ई ए आता है, साउंड्स लाइक डबल ई। पुट सम क्रीम ऑन द केक।
अब क्रीम जो है उसमें डबल ई की साउंड है लेकिन ई ए स्पेलिंग में आता है. आई हैड अ बैड ड्रीम, तो ड्रीम में भी ई ए है. तो प्यारे बच्चों, क्या आप हैप्पीनेस चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं? तो हैप्पीनेस इज फॉलोइंग कुरान एंड सुन्ना एज मच एज आई कैन. कोशिश करें जितना आप कुरान और सुन्नत को फॉलो कर सकते हैं. जो दूसरे लोग कर रहे हैं, आंखें बंद के उनके पीछे ना चलें, उसके लिए सीरत पढ़ें और कुरान जी तर्जुमे से पढ़ना शुरू करें. और स्टार, स्टार का मतलब है स्टॉप थिंक एक्ट एंड रिव्यू. हर काम करते हुए सोचें कि क्या मैं सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूँ. जब ये आप बार बार करेंगे तो फिर आपकी इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी. हम क्या हैं जो हम बार बार करते हैं? सबसे अच्छा होना एक अमल नहीं बल्कि एक आदत है, ये अरस्तु का कहना है. तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें.